हेलो गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरा नाम है कार्तिक और ये है गैजेट्स 18। आज बात करने वाला है ऑल न्यू सैमसंग A16। तो वही प्लास्टिक बॉडी, पीछे तीन कैमरास और साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर, आगे की साइड पे यहाँ पे टीयर ड्रॉप नॉच और नीचे बड़ा सा बेजल। प्राइस है इसका पूरे 17,500। हालांकि इसमें आप एक्सिस कार्ड से 1,000 का डिस्काउंट तक ले सकते हो, तो मोटा मोटा प्राइस आपको जो है इसके बेस वेरियंट का 16,500 पड़ जाएगा। सो द बीइंग सैमसंग हमेशा की तरह यहाँ पे क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं, अगर हाँ तो कौन से यूजर को लेना चाहिए, सारी चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो में। लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। और गाइस, सो यहां पे सबसे पहली चीज जो सामने ही देख के निराशा होती है, और सैमसंग के हर फोन के बारे में ये चीज मैंने डिस्कशन के साथ में बोली है, 35,000 का फोन भी हो या 25,000 का हो, टीयर ड्रॉप नॉच बहुत पुराना हो गया है और अभी भी सैमसंग जो है अपने ए सीरीज के अंदर ये चीज जो है कंटिन्यूसली दिए जा रहा है। हमारे पास में बहुत सारे फोन है, फॉर एग्जांपल लास्ट फोन जो मैंने चेक किया था इन्फिनिक्स हॉट 50 5G, सिर्फ मात्र 11,000 का फोन है वो, और वहां पे हमें पंच होल डिजाइन देखने के लिए मिल रहा था और नीचे उसका बेजल कम था, यहाँ पे आपको वीडियो में दिख जाएगा। सो ये चीज जो है डेफिनेटली वीडियो के स्टार्टिंग बोल देता हूँ, I didn't like it, but Samsung है, so display और cameras are like the best thing जो कि एक budget friendly phone जो 16,000-17,000 के आसपास मिल रहा है उसमें हो सकती है। So let's just check it out। पीछे की साइड पे प्लास्टिक बॉडी दे रखी है यहाँ पे, हालांकि ये लगता है कांच के जैसे, लेकिन इट इज प्लास्टिक। तीन कैमरा का सेटअप है यहाँ पे। आगे की साइड पे हमने बात कर ली है यहाँ पे कि टीयर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है, नीचे की साइड पे एक बड़ा सा बेजल, और इस प्राइस पॉइंट पे हमें मिल जाता है IP54 की रेटिंग। सो ये एक अच्छी चीज है कि डस्ट और वाटर के मामले में फोन थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेगा, नॉट दैट ग्रेट बट यस थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट जरूर कर देगा। फोन एक आसा आराम से यूज किया जा सकता है, सीलिंग साइड से हालांकि स्लिपरी लगा है लेकिन स्लिपरी नहीं है, काफी ग्रिप अच्छे से आ जाती है, वहां पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। फोन रिजिड फील होता है, ऐसा लगा है कि हाथ में कुछ पकड़ा है, इट इज गुड, लाइक प्रीमियम चीज जो है वो फील होती है यहाँ पे, वो एकदम चीप क्वालिटी का जो है मटेरियल जो है फील नहीं होता। हालांकि इसकी पास की जो है डिजाइन थोड़ा चेंज किया यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर, सो यहाँ पे ग्रिप के लिए इन्होंने अलग से बेवल्स जो है थोड़े सा उसको कर्व कर दिया है इनकी बॉडी पे, यहाँ पे नीचे के साइड से भी है, और फोन जो है बॉक्सी है, हालांकि स्टिल एप्पल काइंड ऑफ फिनिश यहाँ पे देने की कोशिश की, और मैं अगर एप्पल को साइड में रख दूं iPhone 16 को बिल्कुल फर्क नजर नहीं आएगा अगर डिस्प्ले बंद है तो। लेकिन हाँ, फोन जो है हाथ में पकड़ने में दिक्कत नहीं होती है, मैं लंबा यूज कर सकता हूँ एक बार के लिए। एक चीज की जो है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे मैं शिकायत करना चाहूंगा वो ये कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है कंपैरेटिवली इसी प्राइस पॉइंट में दूसरे फोन से छोटा है, और स्पीड की बात करूं सो यस इट इज क्वाइट देयर, हर बार जस्ट जंप इन, जैसे मैंने क्लिक किया फेल एंड जंप इन, तो या 10 में से 8 बार आराम से खुल जाएगा, और स्पीड के मामले में बात करूं तो एवरेज है, ज्यादा फास्ट भी नहीं है ज्यादा स्लो भी नहीं है, इट इज लाइक कि आपको परेशान नहीं करेगा। बात कर लेते हैं पर्टिकुलर डिस्प्ले के मामले में, सो यस हमेशा की तरह यहाँ पे ए सीरीज के A1 वाली सीरीज के अंदर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, इसके जो प्रेडिसेसर थे सब फोन के अंदर 6.7 इंच का जो है डिस्प्ले है, जो स्टैंडर्ड साइज सभी के मामले में जो है देखी जा सकती है, और यही डिस्प्ले जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, इट इज एमोलेड बट फुल एचडी प्लस के साथ में आता है जो कि स्टैंडर्ड है ऑल्सो, तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट एक चीज जहां पे मैं शिकायत करूंगा फिर से वो ये कि इसके अंदर दिया हुआ है 90 हर्ट्ज का ऑप्शन। अब पर्टिकुलरली मैं वापस अपने पुराने फोन की तरफ आता हूं, जो मैंने अभी चेक किया था इट वाज इन्फिनिक्स हॉट 50, उस फोन 11,000 के फोन के अंदर 120 हर्ट्ज मिल रहा था हमको, यहाँ पे हमें मिल रहा है मात्र 90 हर्ट्ज। तो अप मोड जो है 90 हर्ट्ज पे जा सकता हूँ, और इवन मेरे को स्टैंडर्ड ऑप्शन ही मिलता है, मतलब कि मैं अगर 60 हर्ट्ज या तो 60 हर्ट्ज पे रह सकता हूँ या फिर 90 हर्ट्ज पे रह सकता हूँ, ऑटो स्विच का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा कंपनी ने, और ये जो है इनके ए सीरीज के हाई एंड फोन जो हमने लास्ट में चेक किए थे उनके अंदर भी थी। सो यस एक दिक्कत है, बट अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसके ब्राइटनेस की बात करूँ, तो धूप के अंदर फोन आपको आराम से दिख जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कड़ी धूप। वीडियो क्वालिटी की बात करूँ उससे पहले पर्टिकुलर एक चीज जो मैंने इसके यूट्यूब वाले सेक्शन में नोटिस करी वो ये HD प्लस डिस्प्ले तो दे रखा है, लेकिन मैं हाईएस्ट जो है रेजोल्यूशन यहाँ पे यूट्यूब पे 4K नहीं पुश कर सकता, मतलब मैं 4K में वीडियो नहीं देख पाऊंगा, जो मैक्सिमम और रेजोल्यूशन ऑफर करता है फोन वो है यहाँ पे 2K 1080p 60fps, और नहीं वो HDR में कंटेंट को स्ट्रीम करने दे रहा है, तो ये एक चीज की दिक्कत जो है इस डेफिनेटली इस फोन के अंदर आएगी। बट क्वालिटी की पर्टिकुलरली मैं बात करूं ब्लैक्स और व्हाइट के बीच में जो रेशियोज है दिस इज लाइक फाइन, वहां पर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, और इसके साथ साथ में व्यूइंग एंगल की अगर मैं बात करूँ इस फोन में सो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर मैं 18,000 में किसी फोन का दे रहा हूँ तो ये चीज एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि 4K तक वो जाए, HDR में मेरे को कंटेंट दिखाए, मैं स्ट्रीम कर पाऊँ, सो ये एक ड्रॉबैक जरूर यहाँ पे इसके साथ में ही मिल जाता है डिस्प्ले के मामले में। एंड अदर देन दैट फोन इज क्वाइट स्मूथ, डिस्प्ले इज क्वाइट देयर, हमेशा की तरह सैमसंग का डिस्प्ले है सैमसंग के फोन के अंदर। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है यहाँ पे परफॉर्मेंस। अब पर्टिकुलरली सैमसंग के फोन के साथ में ये हमेशा मेरी शिकायत रही है कि परफॉर्मेंस के मामले में फोन थोड़ा सा पीछे रहता है, और ये चीज इनकी इस साल वाले सैमसंग गैलेक्सी A16 के साथ में भी है। Geekbench 6 की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, सो सिंगल कोर में 735 का स्कोर निकाल के दिया और मल्टी कोर में 1962 का। इसको अगर मैं कंपेयर करूं आने वाले दूसरे फोन्स के साथ, ये स्कोर जो है हमने 13,000 14,000
15,000 के फोन्स में भी देखा है, बट अगर मैं बात करूँ 18,000 की प्राइस पॉइंट, तो हमारे पास में एक फोन है Nothing CMF Phone 1 जो भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था, हमने 2-3 महीने पहले टेस्टिंग भी करी है, उसका स्कोर लाइक वे हायर है, पर्टिकुलरली अगर मैं Geekbench 6 की बात करूँ, और क्या स्कोर है आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे। पर बात करूँ यहाँ पे GPU स्कोर के बारे में, 1361 है जो कि बहुत ही कम है, मतलब कि अगर आपको गेमिंग करनी है हायर सेटिंग्स पे तो वो एक कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा कि वहां पे एक बड़ी दिक्कत जो है आपको आएगी। बात करूँ एंतु बेंचमार्क स्कोर की जो कि है 4,31,000, और ये स्कोर जो है मैं बोलूंगा यस इस प्राइस पॉइंट पे कम है, क्योंकि हमने और फोन देखे है और सस्ते फोन देखे। इवन मैं बात करूँ रियलमी C67 की, सो वो फोन मात्र 10,000 रुपए का और उसने 5,00,000 का एंतु बेंचमार्क स्कोर निकाल के दिया था, तो यहाँ पे 8,000 का डिफरेंस है, सो एंतु बेंचमार्क स्कोर भी यहाँ पे कम है। बट अगर डे टू डे लाइफ की बात करूँ, अगर मुझे नॉर्मल जस्ट इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है, कुछ फोटोज खींचने हैं, इधर उधर कुछ काम करना है, कुछ पीडीएफ फाइल्स खोलनी है, तो क्या ये फोन काम में आएगा? क्योंकि मैं तो गेमर हूं नहीं, वो गेम खेलने नहीं है, तो यस वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि फोन डे टू डे लाइफ में हैंग होता है, परेशान करेगा, नहीं, बिल्कुल भी वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। इट इज स्मूथ विद 90 Hz ऑल्सो जो दिया हुआ है इस फोन के साथ में, तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन लास्ट स्कोर की मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे टोटल स्कोर की, जो कि 92% पे है। ये एक अच्छी चीज है कि थर्मस के मामले में फोन जो है ज्यादा गर्म नहीं होगा, हीटअप नहीं होगा, आराम से चल जाएगा, लंबा आप यूज कर पाओगे, इवन गर्मी के मौसम में भी तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, तो ये एक प्लस पॉइंट। तो यस परफॉर्मेंस के मामले में बोलूंगा कि गेमिंग नहीं कर सकते इस फोन के साथ में आप, और यस इस प्राइस पॉइंट पे अगर इतना ही पैसा आप दूसरी कंपनी में डालोगे तो ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाले फोन डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, अगर डे टू डे लाइफ में आप फोन यूज कर रहे हो तो आपको परेशान भी नहीं करेगा। ये फोन जो है आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे हमें मिलता है एंड्रॉइड 14 के साथ में, बट यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है, सैमसंग और उसके अपडेट्स की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है हमेशा की तरह, तो उन्होंने अपने वादे निभाए हैं, और 6 साल के अपडेट जो है यहाँ पे सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि अगर आप एंड्रॉइड 14 पे आज हो भी तो बहुत ही जल्दी इसमें भी कुछ टाइम में एंड्रॉइड 10 के अपडेट आ जाएंगे, और उसी के साथ साथ में क्योंकि 6 साल का अपडेट मिलेंगे सो मोटा मोटा एंड्रॉइड 20 तक जा सकते हो। बट बात वहीं पे है कि परफॉर्मेंस स्लो है, सो परेशान फोन वापस कर देगा आप, क्या आप 6 साल तक इस फोन को यूज कर सकते हो? लास्ट में बड़ी में बात करें, बट यस ये चीज काफी एक प्लस पॉइंट है इस फोन के लिए कि 6 साल का अपडेट मिल जाता है, और ये अभी इस प्राइस पॉइंट पे कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रही। बात कर लेते हैं कैमरा सेक्शन की यहाँ पे, सो पीछे की साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, और ये शिकायत मेरी हमेशा रही है 20,000 इवन 25,000 इवन 30,000 के प्राइस पॉइंट पे भी फोन देखे हमने, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कैमरास कंपनी ऑफर कर रही है आजकल। बट सैमसंग का जो है वो काइंड ऑफ यहाँ पे एक सिनेरियो बना हुआ है ट्रिपल कैमरा सेटअप का, साइड में छोटे छोटे बड़े ही एलिगेंट और डिसेंट डिजाइन दिया हुआ होता है, एंड आई लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं रियलमी की बात करूँ, बड़े बड़े पीछे कैमरास लगे हुए होते हैं, सो थोड़ा सा चीप लगता है, बट हाँ हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग वो चीज पसंद हो, बट ये इट इज गुड। हाँ एट द सेम टाइम पता ही नहीं चलता कि सैमसंग गैलेक्सी S24 है या फिर A16, तो ये एक भी प्लस पॉइंट है बहुत सारे लोग की। तो कैमरा के बारे में बात करूँ पर्टिकुलरली, 50 मेन लेंस दे रखा है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस, और मैक्रो की बात करूँ हम भूल ही गए थे, काफी टाइम से हमने नहीं देखा है, सो यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज लेने के लिए पर्टिकुलरली कोई अलग से सेंसर फोन के अंदर नहीं है। बात करूँ यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट की, सो एज यू कैन सी हियर ये एक अल्ट्रा वाइड से निकाला हुआ है 5 MP का फोटो है। अगर मैं डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे मिस आउट करता है डेफिनेटली, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 MP का कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे, तो फोटोज जो है अल्ट्रा वाइड से निकाले हुए आप एक बार के लिए यूज कर सकते हो, बट क्वालिटी का आपको अगर एक्सपेक्टेशन है इस फोन से 5 MP से वो जो है वो निकल के नहीं आएगी, वो मैं चीज आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ 50 MP से, सो यस डेफिनेटली क्वालिटी इज देयर, और साथ साथ में आपको 50 MP वाली जो फीलिंग है यहाँ पे, जो क्लैरिटी की बात करूँ यहाँ पे, वो डेफिनेटली दिखाई देगी यहाँ पे। सो क्वालिटी एंड क्लैरिटी बोथ आर देयर। एंड कैमरा के मामले में यहाँ पे 2x का ऑप्शन दे रखा है जब आप कैमरा एप्लीकेशन ओपन करोगे, लेकिन लेकिन ये जो है जस्ट क्रॉप आउट इमेज है यहाँ पे, एग्जैक्टली ये टेलीफोटो लेंस फोन के अंदर है ही नहीं, तो 2x फोटो निकालेगा कहाँ से फोन, तो ये एग्जैक्टली क्रॉप आउट किया हुआ फोन है, और जस्ट 50 MP की जो फोटो है उसी को जूम आउट किया हुआ है। मेन लेंस की अगर बात करूँ पर्टिकुलरली 50 MP ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ में, सो वहां पर एक चीज जो डेफिनेटली नोटिस होती है वो ये कि अगर लाइटिंग कम है तो वहां पे फोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और स्किन को थोड़ा सा स्मूथ आउट कर देता है, बट अगर लाइटिंग की कंडीशन सही है वहां पर कोई दिक्कत वाली चीज मैंने नहीं देखी। इवन इंडोर कंडीशन में अगर आप फोटोज निकाल रहे हो तो वो चीज सेम आपको दिखाई देगी, अगर लाइट कम है डेफिनेटली थोड़ा सा फोन जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आता है फोटो के क्लैरिटी के मामले। फ्रंट कैमरा 13 MP का दे रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, एज यू कैन सी हियर फोटोज आर क्वाइट देयर, और यहाँ पे पोर्ट्रेट्स फोटोज भी काफी सही निकल के आया, और हमेशा पोर्ट्रेट्स के मामले में सैमसंग से मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। वर्डिक्ट पे आ जाते हैं फटाफट, क्या ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो कौन से यूजर को लेना चाहिए? तो डेफिनेटली एक बार के लिए आप इस फोन की तरफ जा सकते हो अगर आप एक गेमर नहीं हो और आपको गेम्स से ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर एक बड़ा फ्लॉ है यहाँ पे। और दूसरी बात करूं अगर आप एक डिजाइन के मामले में एक परफेक्ट फोन ढूंढ रहे हो तो पीछे की साइड से आपको ये फोन निराश नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही फोन को आगे की साइड पर करता हूं मैं तो यहाँ पे टेयर ड्रॉप नॉच, नीचे की साइड पे बड़ी सी बेजल, ये थोड़ा सा एक चीप फीलिंग यहाँ पे डेफिनेटली करवाती है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में फोन जो है वहां पे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। सो इफ यू आर मल्टीमीडिया
मीडिया यूजर जहाँ पे आपको यूट्यूब पे आपको यूट्यूब देखना है, नेटफ्लिक्स में चिल करना है, छोटे मोटे फोटोज निकालना है, तो वो चीज आप डेफिनेटली कर सकते हो यहाँ पे, वो उस मामले में दिक्कत नहीं है। इफ यू आर अ मल्टी मीडिया यूजर एक बार के लिए जा सकते हो, बिकॉज सैमसंग और उसके साथ मिलती है नॉक्स सिक्योरिटी, और ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे मल्टी मीडिया यूजर्स के लिए, डेटा आपको जो है वो काफी सिक्योर रहता है। देन बात करूँ कैमरा के मामले में, यस डेफिनेटली फोन की तरफ आप कैमरा की डिपार्टमेंट की तरफ से जा सकते हो, वहां पर आपके फोन जो है डेफिनेटली निराश नहीं करेगा। तो यस आप चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब। तो यस गाइस इतना ही था इस वीडियो में, आई होप ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखोगे और एक अच्छा बाइक डिसीजन अपने लिए ले पाओगे, और उस मामले में मैंने कहीं पे आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। अभी लेट नहीं, गुड बाय।